हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम एंटरटेनमेंट पे। आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे पालक का निमोना बनाने के लिए। पालक का निमोना बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक लेने हैं और उसके अच्छे पत्ते जो कटे ना हो या छेद ना हो उसे अलग कर लेना है और उसके पत्तों को तोड़ तोड़ के पीस लेना है। डंठल को नहीं पीसना है, उसके पत्तों को ही पीसना है। तो हम भी अपनी बास्केट से 1 किलो लेंगे पालक और उसे पीस लेंगे उसके पत्तों को। देखिए, हमने 1 किलो पालक की पत्ती को इस तरह से पीस लिया है, अलग से छांट के अच्छे से धुल के। आप भी पहले पत्तों को बिछिएगा, मतलब कि देखिएगा कि कौन सी खराब है कौन सी अच्छी है। जो अच्छे पत्ते रहेंगे उसे ही पीसिएगा। हमने भी 1 किलो पालक के पत्ते को इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के पीस दिया है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे ऑयल। हमने सरसों का तेल यूज़ किया है, मतलब कि मस्टर्ड ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम तेज़पत्ते को डाल देंगे। तेज़पत्ते को डालने के बाद में गैस का फ्लेम हमारा जो है वो फुल है। थोड़ी देर ही हम तेज़पत्ते को भूनेंगे, कम से कम 2 मिनट फुल फ्लेम पे। अब तेज़पत्ते को हमें तेल से अलग कर लेना है। अलग करके एक प्लेट में, किसी भी प्लेट में आप रख दीजिएगा। इसका यूज़ हमें कब करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच पंचफोरन। देखिए, पंचफोरन हमारा चटकने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे हींग, छोटे चम्मच से आधा चम्मच। इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके, लहसुन के टुकड़े को भी बारीक किया है हमने। लेकिन लहसुन का टुकड़ा हमने इसलिए आपको बताया, अगर आपके पास लहसुन का पत्ता ना हो तो लहसुन के टुकड़े को आपको करना है, लेकिन हमने लहसुन के पत्ते को इस तरह से बारीक कट किया है। अगर आपके पास उस समय नहीं है लहसुन का पत्ता तो आप लहसुन को बारीक कट करके इसमें डाल सकते हैं और चाहे कूट भी सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। 3 हरी मिर्च हमने यूज़ की है और अदरक की बाइट को भी बारीक कट किया है। अब इन सब को हमें भूनना है फुल फ्लेम पे। जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे खड़ा मसाला। खड़े मसाले में क्या चीज़ें हैं चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें हम डालेंगे बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री और कबाब चीनी। अब इन सबको डाल के फिर से हमें भूनना है तड़के में ही 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम पालक को डाल देंगे जो हमने 1 किलो पालक के पत्ते को मिक्सी के जार में पीस के रखा था। 1 किलो इसकी मात्रा है पालक की जिसे हमने पीस के रखा था। अब इसे फुल फ्लेम पे हमें भूनना है लगातार चलाते हुए। इसे तब तक हमें फुल फ्लेम पे भूनना है जब तक इसका जो कलर है थोड़ा चेंज ना हो जाए और इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। तो हमें फुल फ्लेम पे ही इसे भूनना है। देखिए दोस्तों, 10 मिनट इसे हमने भूना है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। फुल फ्लेम पे हमने इसे भूना है। चलिए अब इसमें जो मसाले पड़ेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, देखिए 1/2 चम्मच। इसके बाद में हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, 2 टमाटर बारीक कट किए हुए। आप चाहें तो गरम मसाला की जो मात्रा है उसे बढ़ा सकते हैं। नमक स्वादानुसार। जब भी टमाटर डालें किसी भी चीज़ में, टमाटर डालने के तुरंत बाद आप नमक डालें ताकि जो आपके टमाटर हैं जल्दी गले और आपका समय भी बचे। अब फिर से इसे फुल फ्लेम पे ही हमें भूनना है। देखिए इतने कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब जो मिक्सी का जार था उसी को धुल के हमने पानी रखा है, छोटे ग्लास से 1 ग्लास उसे डाल देंगे। पानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है।
250 ml हमने पानी इसमें ऐड किया है। अब इसके बाद में हम तेज पत्ते को डाल देंगे, जिसे हमने पहले इसमें फ्राई करके रखा था अलग करके। इस तरह से करके हम इसे ढक देंगे। आप चाहें तो इसमें मसालों की जो मात्रा है उसे बढ़ा सकते हैं। हमने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसमें मसाले कम यूज किए हैं, और नमक भी आप स्वाद अनुसार ही रखिएगा। अब फिर से गैस की फ्लेम को हम कर देंगे फुल, और किसी भी बर्तन से जो इसमें अच्छे से कवर हो जाए उसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, और उसे बीच बीच में चेक करते रहिएगा। देखिए इस तरह से हम इसे कवर करते रहें, बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसे हमने 10 मिनट बाद उसके जो जिस बर्तन से हमने इसे कवर करके रखा था खोल लिया है, और ये पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे धनिये के पत्ते को, और धनिये के पत्ते को डालने के बाद में गैस की जो फ्लेम होती है उसे बंद कर देंगे, और आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, रेडी है हमारा पालक का निमोना। आप इस तरह से बनाकर जरूर खाइएगा। जब पालक के निमोने का कलर चेंज होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका निमोना पूरी तरह से पक चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।